का पुनर्जन्म। एक बार की बात है, जंगल के कुछ जानवर नदी पर पानी पीने के लिए आए थे। तभी उन्हें एक सफेद शेर पानी में बहता हुआ अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो शेर नदी पर आकर रुक गया। अरे, ये तो कोई अद्भुत सफेद शेर है और ये बेहोश है। पता नहीं कहां से ये तिरता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भाई, चलो हम इस बेचारे शेर को अपने जंगल ले चलते हैं। तब वह सभी शेर को उठाकर अपने जंगल ले आते हैं। सभी जानवर शेर का बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। कुछ दिनों बाद शेर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अपने आप को दूसरे जंगल में खड़ा देख शेर बहुत अजीब महसूस कर रहा था। तुम सबसे अनोखे शेर हो। हम तुम्हें नदी के किनारे से उठाकर लाए थे। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मेरा नाम सिम्बा शेर है। मैं अपने जंगल से नदी पर पानी पीने आया था। तभी वहां पर दो बाघ आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पीछे से मुझ पर हमला किया तो मैं नदी में गिर गया और मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे मैं बेहोश हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी आदत के लगते हो। वैसे हमारे जंगल का कोई राजा भी नहीं है, तो तुम हमारे जंगल के राजा बनकर यही रह सकते हो। यह सुनकर शेर भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मैं जो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए सब करूँगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तब से शेर जंगल का राजा बन जाता है और सभी जानवरों की उनके साथ मदद करता। सभी जानवर अपने राजा सिम्बा से बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक ना चल सकी, क्योंकि वो दोनों लुटेरे खूनी बाघ भी अब इस जंगल में ही घुस आए थे। उधर सभी जानवर इस बात से बेखबर राजा शेर के पास खड़े थे। तब शेर उनसे बोलता है, सुनो भाइयों, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। शायद मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है। तुम सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है? इतना बोलकर शेर पानी पीने चला जाता है। शेर के चले जाने के बाद वो दोनों शेर के मंच पर चढ़कर बोलते हैं, सुनो सभी जानवरों, सभी यहाँ पर आओ। उनकी आवाज सुनकर सभी जानवर बाहर आते हैं। अरे, ये कौन है और राजा शेर के मंच पर क्यों खड़े हैं? पता नहीं, चलो चलकर पता करते हैं। तब सभी जानवर उनके सामने आ जाते हैं। तब बाघ बोलता है, सुनो सभी जानवरों, सुनो, आज से हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे। हमने फैसला किया है कि तुम में से रोज एक जानवर हमारे भोजन के लिए आएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें एक ही दिन में भून डालेंगे, समझ गए? इतना बोलकर वो दोनों शेर की गुफा में जाकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद शेर सभी जानवरों के पास जाता है। सभी को उदास खड़ा देख शेर पूछता है, क्या हुआ दोस्तों, क्या बात है, तुम सब इतने उदास क्यों हो? तब गाय शेर को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद शेर को बड़ा गुस्सा आता है। ये वही बाघ है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम में से कोई उनके पास नहीं जाएगा। अगर उन्होंने तुम्हें थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और शाम होने पर दोनों बाघ जानवरों के पास आते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, हमने तुम्हें एक जानवर को भोजन के लिए बोला था। अब हमें बहुत भूख लगी है, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे होते हुए तुम इनको हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे? तो पहले तुम्हारा ही किस्सा खत्म कर दे। दोनों ही बाघ बड़े ताकतवर और बहुत खूंखार थे, इसलिए वो राजा शेर को मार डालते हैं। जिसने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की उसका यही अंजाम होगा। बोलकर वह दोनों गुफा में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर
एक जादुई पेट विकसित होता है और कहता है, सुनो सभी भाइयों, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा राजा शेर बहुत अच्छे व्यवहार का था, इसीलिए मैं इसे अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म दूंगा और इस बार शेर विशाल शक्तियों वाले शेर में पुनर्जन्म लेगा। तभी पेड़ अपनी शक्तियों से शेर का पुनर्जन्म करता है और शेर दोबारा से जिंदा हो जाता है। चलो साथियों, मुझे उन लुटेरे बाघ से अपना पिछला हिसाब भी चुकता करना है, चलो मेरे साथ। तब शेर बड़े गुस्से से दोनों बाघ के पास पहुंचता है। शेर को जिंदा खड़ा देख दोनों बाघ की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। लुटेरे खूनी बाघ, अब तुम्हारा किस्सा खत्म, मैं तुम्हें नोच कर खा जाऊंगा। तब शेर दोनों को जोरों से मारता है और वहीं पर मार डालता है। उन दोनों का अंत हो जाता है। उसके बाद फिर से सभी जानवर अपने राजा शेर के साथ खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा और बहुत दयालु था। शेर कभी भी अपने जंगल के जानवर का शिकार तो क्या, उन्हें कभी चोट तक नहीं पहुंचाता था। शेर का एक बहुत अच्छा और पुराना मित्र था, जो था एक बाघ। बाघ को शेर हमेशा अपने साथ रखता था। एक बार शेर बाघ से ऐसा बोला, बाघ दोस्त, जाओ जाकर सभी जानवरों को बुलाकर लाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। तब बाघ एक एक करके सभी जानवरों को बुलाकर लाता है। सुनो दोस्तों, मैंने सोचा है कि जैसे मैं अपनी प्रजा का ख्याल रखता हूँ, क्या वैसे ही दूसरे जंगल के राजा भी अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं कि नहीं। मैं ये देखने के लिए आसपास के जंगल में जाना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगा। इतना मैं लौटूं तब तक मैं बाघ को जंगल का राजा बना कर जाता हूँ। क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें कोई परेशानी नहीं और आपने ये अच्छा ही फैसला किया है महाराज। तब शेर चल देता है। शेर के चले जाने के बाद बाघ बोलता है, सुनो भाइयों, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे आकर बता देना, ठीक है? अब आप जा सकते हैं। तब सभी जानवर अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बीत गए थे, अब शेर महाराज भी जंगल वापस लौट आए थे। शेर अपनी गुफा में पहुंचते ही पास में पड़े एक पत्थर को ही खाने लगता है। ये देखकर बाघ बोलता है, अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें भोजन लाकर दे देता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से लेकर आओ। तब बाघ भोजन लेने जाता है और शेर के लिए बहुत सारा भोजन लेकर आता है। शेर उस भोजन को एक ही मिनट में सारा खत्म कर देता है। ये देखकर बाघ दंग रह जाता है और मन ही मन बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या, इतना सारा भोजन महाराज एक ही मिनट में खा गए, ये महाराज को क्या हुआ? शेर भोजन करके बिना कुछ कहे ही सो जाता है। लेकिन बाघ शेर की इस हरकत से बहुत चिंतित था। सुबह को जब शेर उठता है तो उठते ही शेर बाघ पर हमला कर देता है। बाघ शेर से छुटकर भाग जाता है और शेर बाघ को छोड़कर एक गाय को मार डालता है। जब दूर खड़े जानवर ये देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। तब सभी जानवर बाघ के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे बाघ भाई, अभी अभी महाराज शेर ने एक गाय को मार डाला और उसे अपना शिकार बना लिया। महाराज शेर ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। महाराज शेर ने आज मुझ पर भी हमला किया था। क्या क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जब महाराजा शेर जंगल से वापस लौटे थे तो उन्होंने एक पत्थर को ही खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं बहुत सारा मांस लेकर आया तो शेर उसे भी एक ही मिनट में खा गए। पता नहीं शेर महाराज को क्या हुआ। यह सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तब एक लोमड़ी बोलती है, भाइयों भाइयों, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
आज तक महाराजा शेर ने ऐसा नहीं किया। जब से महाराज शेर उस जंगल से वापस आए हैं, तभी से वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। भालू, तुम सही कहते हो, मुझे उस जंगल में जाकर देखना होगा, शायद वहीं से कुछ पता चल सके। तब बाघ उस जंगल में जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद बाघ उस जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन जब बाघ उस जंगल का नजारा देखता है तो बाघ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाघ ने देखा कि उस जंगल के सभी जानवर जॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने अपने पूरे जंगल को तहस नहस कर रखा है। ऐसा देखकर बाघ समझ जाता है कि शेर को भी किसी जॉम्बी ने काटा होगा। तब बाघ भागता हुआ अपने जंगल के जानवरों के पास पहुंचता है, लेकिन रास्ते में बाघ को शेर दिखाई देता है। शेर भी अब एक जॉम्बी बन गया था। तब बाघ जल्दी से जानवरों के पास गया और उन्हें सारा किस्सा बता दिया। और दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर शेर किसी जानवर को काटकर छोड़ देगा, उसे पूरी तरह से नहीं खाएगा, तो वह जानवर भी एक जॉम्बी बन जाएगा। तो बाघ भाई, अब क्या होगा? क्या अब हम सभी जॉम्बी बन जाएंगे? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम सभी को अपनी जान बचानी है तो बस अब एक ही काम हो सकता है। और वो क्या है बाघ? महाराजा शेर की मौत। यह तुम क्या बोल रहे हो? बाघ बिल्कुल सही बोल रहा है। चाहे तो अब हम सभी जानवर जॉम्बी बन जाएं, या फिर शेर को मारकर अपनी जान बचा सकेंगे। तब सभी जानवरों ने शेर को मारने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब शेर आराम कर रहा था तो बाघ ने शेर पर हमला कर दिया और वहीं शेर को मार डाला। अब सभी जानवर जॉम्बी शेर से मुक्ति पा चुके थे, लेकिन उन्हें जॉम्बी शेर के साथ साथ एक अच्छे महाराजा शेर को भी मारना पड़ा। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो गया। तो अगर आपको ये कहानी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी मजेदार स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।